हेलो एवरीवन, JEPYQ केमिकल काइनेटिक्स, ये वाला 2017 का क्वेश्चन है सेट टू का, और पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। द रेट ऑफ ए रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम इतना टू इतना। तो ऐसे क्वेश्चन देखते साथ अपने को पहले ये क्लिक करना चाहिए कि ये कौन से फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है। K2 by K1 वाले फॉर्मूला पे ये भी डिपेंडेंट है। उसके इज इक्वल टू EA/R 1/T1, 1NS 1/T2, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। अब ये देखना है कि अपने को क्या क्या गिवन है। तो T1 गिवन है कितना, 300 केल्विन। T2 गिवन है कितना, 310। रिएक्शन क्वाड्रपल्स हो जाता है, मतलब क्या होता है, K2 = 4 times of K1। इसका मतलब ये होता है कि K2 - K1 = 4, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी पूछा गया है तो ये फाइंड करना है, और R का वैल्यू अपने को पता होता है, R का वैल्यू 8.314। तो पुटिंग ऑल वैल्यूज, LN4 = EA/8.314, 1/300 - 1/310। तो ई आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन चल रहा है। LN2 को क्या लिख सकते हैं, LN2 को 2 times of LN4 को LN2 square, और LN2 square क्या होता है, LN2 square ये इधर आ जाता है, तो 2 times of LN2 into 8.314, और ये कितना आ रहा है, चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं, 310 - 300 is 10/300 into 310। ठीक है, तो इसको फिर इधर ले जाएंगे, तो ये कितना आ रहा है अपना, LN2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो 2 into 0.693 into 8.314, 10 को यहाँ से काट देते हैं, into 31 into 300। ठीक है, तो यही अपना आंसर है, और हम लोग को पूछा गया है लेकिन किलो जूल में। ठीक है, ऑप्शंस देख सकते हैं किलो जूल में, और हमने आर जो बैठाया है 8.314, ये जूल में बैठाया है, तो डिवाइडेड बाई 1000 कर देते हैं फॉर किलो जूल, किलो जूल। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी अपने पास बचने का तरीका नहीं है, प्योर कैलकुलेशंस है, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनफैक्ट मल्टीप्लाइंग है, मल्टीप्लाइंग नंबर्स है, और सबको मल्टीप्लाई करके ये आंसर जो है हम लोगों को पता चलेगा कि 107 के अराउंड आ रहा है। ठीक है, अब किसी को अप्रॉक्सीमेशन करना है तो मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। देखिए अप्रॉक्सीमेशन कैसे करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस ज़्यादा क्लोज नहीं है, दिख रहा है, 100 50, उसके बाद उसका भी आधा, और फिर 100 का डबल। तो देखिए कैसे करते हैं, 2 into 0.69, 0.69 को 0.7 लेते हैं, 0.7 into 2 1.4, 8.3, 31 into 3 3 9, राइट, into 100, तो नीचे 1000 था, तो 10 और कम कर देंगे जो भी आंसर आएगा, क्लियर। अब 8 को 1.5 times करेंगे तो कितना आता है, 8 को 1.5 से 8 का आधा और ऐड कर दीजिए, 12, तो ये 12 13 के अराउंड आएगा, 13 into 93, 13 into 100 होता तो कितना आंसर आता, 1300, है ना, 13 into 100 होता तो कितना आता, चलिए एक पॉइंट लगा ही देते हैं, 9.3, तो 13 into 10 होता तो कितना आता, 9 के सबसे क्लोजेस्ट नंबर थे, तो 130, तो 130 से थोड़ा छोटा आंसर होना चाहिए, तो 130 से थोड़ा छोटा आंसर कौन सा वाला है, 107। ठीक है, 50 और 526 तक तो नहीं पहुंच पाएंगे अपन, क्लियर। तो ये एक तरीका होता है, बाकी आपकी मर्जी है, आपको टाइम आपके पास कितना एग्ज़ाम में उस पर डिपेंड करता है, कैलकुलेशन तो है इस वाले क्वेश्चन में। ओके, आई होप ये समझ आ गया होगा। बाय एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।